पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर आज जमकर निशाना साधा और कहा कि राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, चुनाव निकट आते ही वे गिरगिट की तरह रंग बदलने शुरू कर देते हैं। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को इमोशनल ब्लैकमेलर बताया और कहा कि 2019 के बाद चुनाव न लड़ने की बात कहकर इंद्रजीत पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से सवाल किया कि अगर पिछली चार योजनाओं में उन्होंने इलाके के लिए कुछ किया हो तो जवाब दें। वहीं टिकटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई ट्रेन या बस की टिकट नहीं है, टिकट उसी को मिलेगी जिसने राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष किया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हुई आगजनी के मामले में पूरे सीएम हुड्डा के समर्थकों की संलिप्तता के सवाल पर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बयान पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए ऐसा है, अशोक तंवर क्या कहते हैं या अभिमन्यु जी क्या कहते हैं, ये सरकार का काम है, वो छानबीन करें, जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं किसी पे व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपने सुना ना गिरगिट कैसे रंग बदलती है, राहुल जी इसी तरह रंग बदलते हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तो रंग बदलना शुरू कर देते हैं। पिछली बार जो है जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारी बुराई करते थे, अब इनकी गवर्नमेंट है इनकी बुराई करते हैं, अब मैंने सुना है कि और मंच बनाने वाले हैं, अब उनका मैं नहीं जानता। आज उनका एक बयान और भी आ रहा है कि 2019 के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं राव इंद्रजीत सिंह जी से कि आप दो कह रहे हैं कि 2019 का मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपने अब तक इस इलाके लिए किया क्या है? पिछले चार टर्म से यहां से वो सांसद रहे हैं, मुझे एक योजना बता दें जो इस इलाके में लेके आए। आज न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।